चलिए बच्चों, तो लास्ट क्लास में बच्चों अपन ने देखिए बेसिकली हमें पढ़ा था कि कॉम्प्लेक्स नंबर की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी, ठीक है। फिर भाई कि कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है, ठीक है। फिर मैंने आपको बताया था आयोटा क्या होता है। फिर मैंने आपको कुछ रिजल्ट बताए थे कि सम ऑफ एनी फोर कॉन्सिक्यूटिव पावर ऑफ आयोटा विल बी इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। फिर अपन ने बच्चों आपको बताया था कि हमारे पास अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है, तो उसके रियल पार्ट क्या होते हैं और उसका इमेजिनरी पार्ट क्या होता है, ठीक है ना। द साइन विच इज द पार्ट दैट इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम द आयोटा विल नोन एज द रियल पार्ट, एंड द पार्ट विच कंटेन्स द टर्म आयोटा विल बी नोन एज इट्स इमेजिनरी पार्ट, ठीक है। फिर अपन ने बच्चों इस पर चर्चा की थी कि इफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर इक्वल देन व्हाट विल है। सो इक्वलिटी होल्ड ओनली व्हेन रियल पार्ट ऑफ द फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर इज इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ सेकेंड कॉम्प्लेक्स नंबर एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ द फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर इज इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ द सेकेंड कॉम्प्लेक्स नंबर। क्लियर है बच्चों? रियल पार्ट ऑफ द फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर इज इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ सेकेंड कॉम्प्लेक्स नंबर एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर विल बी इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ सेकेंड कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है बच्चों। तो ये चीज़ हमारे पास आ गई थी। नाउ आगे देखते हैं बच्चों अपन। फिर अपन ने बताया था बच्चों आपको कि ऑपरेशंस ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर, ऑपरेशंस क्या क्या बताए थे मैंने आपको, एडिशन बताया था। तो एडिशन के बारे में मैंने बताया था बच्चों, जो रियल पार्ट है वो रियल पार्ट में ऐड हो जाएगा और जो इमेजिनरी पार्ट है वो इमेजिनरी पार्ट में ऐड हो जाएगा, ठीक है। फिर मैंने आप लोगों को बताया बच्चों कि हमारे पास सब्ट्रैक्शन क्या होता है। तो मैंने बताया बच्चों रियल पार्ट जो है वो रियल पार्ट में सब्ट्रैक्ट होगा और जो इमेजिनरी पार्ट है वो इमेजिनरी पार्ट में सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। फिर मैंने आपको बताया बच्चों मल्टीप्लिकेशन क्या होता है। तो मल्टीप्लिकेशन के लिए मैंने बताया था कि पहले कॉम्प्लेक्स देखिए जेड वन, अगर मैंने बताया था आपको एक्स प्लस आयोटा वाई हो और जेड टू जो है वो हमारे पास जेड प्लस आयोटा डब्ल्यू हो, तो मैंने बताया जेड वन इंटू जेड टू विल बी इक्वल टू, अगर रिमेंबर कर सकते हो तो याद करना, अदरवाइज आप डायरेक्टली भी कैलकुलेट कर सकते हो ना। देर इज़ नो हार्ड एंड फास्ट लाइक दैट कि यू हैव टू फॉलो दीज ऑल दीज थिंग्स नेसेसरली, ऐसा कुछ नहीं है। तो आप देखिए क्या करेंगे, अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो रियल पार्ट विल बी मल्टीप्लाइड इंटू रियल पार्ट माइनस इमेजिनरी पार्ट विल बी मल्टीप्लाइड इंटू इमेजिनरी पार्ट, ये उसका कहलाएगा रियल पार्ट। किसका? प्रोडक्ट जेड वन एंड जेड टू का प्लस आयोटा टाइम्स, ठीक है, पहले का रियल पार्ट दूसरे का इमेजिनरी पार्ट एक्स ओमे डब्ल्यू प्लस दूसरे का रियल पार्ट पहले का इमेजिनरी पार्ट, ठीक है, तो वाई इंटू जेड। तो ये मैंने आपको बताया था, ठीक है, सारी चीज़ें रिकॉल हो गई हमें। अब अपन बात करते हैं डिवीज़न ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। डिवीज़न ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर मैंने आपको नहीं बताया था, चलिए देखते हैं बच्चों डिवीज़न ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, चलिए देखते हैं बच्चों। सपोज बच्चों हमसे किसी ने कहा कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जेड वन, ये है ए प्लस आयोटा बी और एक है जेड टू, ये दिया हुआ बच्चों में सी प्लस आयोटा डी, ठीक है। हमसे कह रहा फाइंड जेड वन अपॉन जेड टू, जेड वन अपॉन जेड टू हमें फाइंड करना है, तो क्या आ जाएगा ए प्लस आयोटा बी अपॉन सी प्लस आयोटा डी, ये आ जाएगा बच्चों हमारे पास, ठीक है। तो मैंने अभी कुछ देर पहले जब आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि आयोटा की जब नेगेटिव पावर होगी, तो मैंने आपको क्या बोला था कि भाई डिनोमिनेटर में कोई भी टर्म आयोटा का नहीं होना चाहिए, जैसे कि हम रैशनलाइज करते हैं चीज़ों को ना, तो अपन क्या करते हैं सारे टर्म्स रैशनल बनाते हैं, ठीक है, डिनोमिनेटर मतलब रैशनल होना चाहिए, ठीक है ना, और न्यूमरेटर इरेशनल है तो फ़र्क नहीं पड़ता था। वैसे ही यहाँ पे है बच्चों हमारे पास डिनोमिनेटर में आयोटा की कोई भी टर्म नहीं होनी चाहिए, न्यूमरेटर में आप आयोटा की टर्म रख सकते हो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों a प्लस आयोटा बी अपॉन सी प्लस आयोटा डी, ये आ जाएगा हमारे पास। तो हमारे पास क्या आ गया a प्लस आयोटा बी अपॉन सी प्लस आयोटा डी, ये आ गया हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या कहा बोला डिनोमिनेटर में अपन नहीं रखेंगे, तो अपन क्या करेंगे डिनोमिनेटर में इसका जो कॉन्जुगेट होगा, ठीक है, कुछ देर के लिए बस कॉन्जुगेट समझ लीजिए क्या होता है बच्चों, कुछ देर के लिए अभी मैं आगे पढ़ाऊँगा आपको, ठीक है।
थोड़ी देर से, थोड़ा सा बस आप पढ़ लो ताकि आपको एक रिजल्ट समझ में आ जाए, ठीक है। अगर जेड एक कॉम्प्लेक्स नंबर है बच्चों, एक्स प्लस आयोटा वाई है, अगर जेड एक कॉम्प्लेक्स नंबर एक्स प्लस आयोटा वाई है, तो जो इसका कॉन्जुगेट होता है वो होता है एक्स माइनस आयोटा वाई। मतलब आयोटा वाले में जो पार्ट है उसका बस साइन चेंज कर दो, ठीक है ना। अगर जेड एक कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसका कॉन्जुगेट क्या होगा, एक्स माइनस आयोटा वाई, ठीक है। इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर दो, क्लियर है क्या। और उसका मॉडुलस होगा अंडर रूट रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, अंडर रूट रियल पार्ट का स्क्वायर और इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। बात समझ में आ गई बच्चों हमारे पास। हमारे पास क्या आया, इफ़ जेड इज़ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, देन जेड बार दैट इज़ द कॉन्जुगेट ऑफ अ मॉडुलस नंबर, ठीक है, दैट इज़ द कॉन्जुगेट ऑफ अ मॉडुलस नंबर विल बी एक्स माइनस आयोटा वाई, ठीक है, एंड द मॉड ऑफ जेड इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट। क्लियर है बच्चों, ये आ जाएगा हमारे पास कि मॉड ऑफ जेड इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये चीज़ आ जाएगी हमारे पास। यहाँ पे देखिए बच्चों क्या करेंगे अपन, अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जेड हमारे पास, दैट इज एक्स प्लस आयोटा वाई, ठीक है, तो हमारे पास जो कॉन्जुगेट ऑफ जेड आएगा दैट विल बी एक्स माइनस आयोटा वाई, और इसे क्या बोलेंगे, मॉड ऑफ जेड बोलेंगे, ठीक है, मॉड ऑफ जेड दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। एक दो एग्जांपल समझते हैं फिर वापस से आते हैं अपने क्वेश्चन पे, कुछ देर के लिए समझ लीजिए बस ये होता है, कैसे होता है, क्यों होता है, ये सारी चीज़ें मैं अभी बताऊंगा थोड़ी देर बाद आज के लेक्चर में, ठीक है। जैसे बच्चों हमें किसी ने कहा इफ़ जेड इज इक्वल टू टू प्लस थ्री आयोटा, तो जेड बार क्या हो जाएगा, टू माइनस थ्री आयोटा, ठीक है। कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा इसका, जेड बार दैट इज टू माइनस थ्री आयोटा, और मॉड ऑफ जेड क्या हो जाएगा बच्चों हमारे पास, स्क्वायर रूट ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर क्या है, टू स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर क्या है, थ्री स्क्वायर, क्या जाएगा, रूट ऑफ नाइन प्लस फोर दैट इज रूट थर्टीन, ठीक है बेटा। अब हमें दिया गया है इफ़ जेड इक्वल्स टू थ्री माइनस फोर आयोटा, क्या दिया हुआ, जेड थ्री माइनस फोर आयोटा, ठीक है। जेड बार क्या हो जाएगा बच्चों, इसका कॉन्जुगेट हो जाएगा थ्री प्लस फोर आयोटा, ठीक है, जेड बार हो जाएगा हमारे पास थ्री प्लस फोर आयोटा, ठीक है, जेड बार क्या हो जाएगा, थ्री प्लस फोर आयोटा, एंड मॉड ऑफ जेड क्या हो जाएगा हमारे पास, स्क्वायर रूट ऑफ थ्री का स्क्वायर प्लस माइनस का फोर का स्क्वायर, तो ये माइनस था प्लस हो गया, यहाँ पे प्लस था तो माइनस हो गया था, ठीक है। तो क्या जाएगा बच्चों हमारे पास, स्क्वायर रूट ऑफ नाइन प्लस सिक्सटीन दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ट्वेंटी फाइव विच इज इक्वल टू फाइव, ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ नाइन प्लस सिक्सटीन दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ट्वेंटी फाइव दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ट्वेंटी फाइव दैट इज इक्वल टू फाइव, ये चीज़ हमारे पास आ गई। चलिए देखते हैं बच्चों, तो अब देखिए बच्चों यहाँ पे इस जेड टू जो है ये मैंने बताया क्यों आपको, देखिए जेड टू क्या है बच्चों हमारे पास है सी प्लस आयोटा डी, तो इसका जो कॉन्जुगेट है जो डिनोमिनेटर पार्ट है उसके कॉन्जुगेट का आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दो, कॉन्जुगेट का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दिया, सी माइनस आयोटा डी अपॉन सी माइनस आयोटा डी, क्लियर है क्या। तो ये देखिए क्या हो गया बच्चों हमारे पास, ये आ गया जेड वन अपॉन जेड टू इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी इन टू सी माइनस आयोटा डी अपॉन, ठीक है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है बच्चों, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या आ जाएगा बच्चों हमारे पास, सी स्क्वायर माइनस ऑफ आयोटा टाइम डी का स्क्वायर, सी स्क्वायर माइनस आयोटा टाइम डी का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास बच्चों, देखो न्यूमरेटर में दो नंबर का मल्टीप्लाई है, तो क्या बताया था आपको, रियल इंटू रियल, रियल इंटू रियल कितना चल रहा है ए सी, माइनस इमेजिनरी इंटू इमेजिनरी बी इंटू माइनस डी दैट इज माइनस बी डी, ठीक है, प्लस आयोटा टाइम इसका रियल इसका इमेजिनरी माइनस का ए डी प्लस इसका इमेजिनरी इसका रियल प्लस का बी सी, ठीक है, ये चीज़ आ गई हमारे पास न्यूमरेटर में। डिनोमिनेटर में क्या आ गया बच्चों, देखिए सी स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर, यह आया बच्चों हमारे पास सी स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है माइनस वन होती है, आयोटा स्क्वायर वैल्यू माइनस वन होती है, तो क्या आ जाएगा बच्चों हमारे पास, देखिए यह आ जाएगा ए सी माइनस माइनस प्लस बी डी, ए सी प्लस बी डी, ठीक है, प्लस आयोटा टाइम
बी सी माइनस ए डी, ठीक है, अपॉन एड स्क्वायर वैल्यू बच्चों माइनस वन इंटू डी स्क्वायर। तो ये क्या आ गया बच्चों हमारे पास, ए सी प्लस बी डी प्लस आयोटा टाइम्स बी सी माइनस ए डी अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ठीक है। तो ये आ गया बच्चों, ठीक है, क्लियर हुआ, अपने समझ में आया। तो अपन डिवीज़न जो है वो थोड़ा सा लेंदी होता है, ठीक है ना, डिवीज़न थोड़ा सा लेंदी होता है, क्लियर है बच्चों। तो इसे अपन ने क्या बोला था, मॉड ऑफ जेड ही तो बोला था। तो ये क्या लिखा है, मॉड ऑफ जेड का स्क्वायर, मॉड ऑफ जेड क्या था, स्क्वायर रूट ऑफ नंबर, ठीक है। तो जो डिनोमिनेटर में है उसका मॉड का स्क्वायर लिखा हुआ है, क्लियर है। तो जेड वन अपॉन जेड टू अपन का ऐसे निकल के आया, ठीक है। तो बेसिकली प्रोसीजर क्या कहता है, प्रोसीजर क्या कहता है, ये अपन को याद नहीं करना है, दीज थिंग्स आर नॉट सपोज टू बी रिमेंबर, ठीक है। ये मैंने बताया आपको आया कैसे, अपन को करना क्या है, जो पार्ट डिनोमिनेटर में प्रेजेंट है, ठीक है, उसके कॉन्जुगेट का मल्टीप्लाई कर दो और डिनोमिनेटर में उसके मॉड का स्क्वायर कर दो, ठीक है। मैंने क्या बोला आपको, मैंने बोला अगर आपके पास है जेड वन अपॉन जेड टू, आप क्या करोगे, जेड वन को ऐसे ही रहने दो, जेड टू को लिख दो जेड टू बार कॉन्जुगेट का मल्टीप्लाई अपॉन मॉड जेड का स्क्वायर, ये मैंने आपको बोला, ठीक है। अगर आपके पास है जेड वन अपॉन जेड टू, दो कॉम्प्लेक्स नंबर का डिवीज़न हो रहा है, तो आप क्या लिखोगे, जेड वन इंटू जेड टू बार अपॉन मॉड ऑफ जेड टू बार का स्क्वायर, ठीक है, मॉड ऑफ जेड टू का स्क्वायर, क्लियर है क्या बच्चों आपके पास, मॉड ऑफ जेड टू का स्क्वायर, ठीक है। ये तो क्या बच्चों, देखिए सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर क्या है, इसका मॉडुलस का स्क्वायर ही तो आया है, मॉडुलस कहते हैं स्क्वायर रूट ऑफ सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, स्क्वायर रूट हटा दो तो स्क्वायर हो गया, क्लियर है क्या। और किया क्या अपन ने, इसके कॉन्जुगेट का यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया, तो जेड वन इंटू जेड टू बार अपॉन मॉड ऑफ जेड टू बार, मॉड ऑफ जेड टू का स्क्वायर, क्लियर है, ये चीज़ हमारे पास आ जाएगी। ठीक है बच्चों, देखते हैं अपन। तो अपन ने बताया बच्चों आपको जेड वन अपॉन जेड टू अगर होगा तो आप क्या लिखेंगे इसे, जेड वन इंटू जेड टू बार अपॉन मॉड ऑफ जेड टू का स्क्वायर, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल किसी ने आपसे कहा फॉर एग्जाम्पल बच्चों किसी ने आपसे कहा कि कैलकुलेट या एक्सप्रेस एक्सप्रेस, ठीक है, थ्री माइनस फोर आयोटा अपॉन ट्वेल्व प्लस फाइव आयोटा इंटू ए प्लस आयोटा बी, ठीक है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर। तो अपन ने अभी पढ़ा बेटा कि अपन क्या करेंगे, थ्री माइनस फोर आयोटा अपॉन ट्वेल्व प्लस फाइव आयोटा के लिए अपन ने पढ़ा फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या पढ़ा अपन ने, वन अपॉन जेड वन अपॉन जेड टू इज इक्वल टू जेड वन इंटू जेड टू बार अपॉन मॉड जेड टू का स्क्वायर, ठीक है। तो ये आ जाएगा बच्चों हमारे पास, थ्री माइनस फोर आयोटा अपॉन 12 प्लस 5 आयोटा विल बी कम्स टू बी 3 माइनस 4 आयोटा इंटू जेड टू का बार, इसका कॉन्जुगेट क्या होगा बच्चों हमारे पास, 12 माइनस 5 का आयोटा, ठीक है, 12 प्लस किया माइनस हो गया, और इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चों, सॉरी स्क्वायर
इसके मॉडुलस का स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट तो आएगा नहीं, दैट इज़ 12 स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। ये आ गया बच्चों हमारे पास, ये क्या आ गया बच्चों देखिए, दो नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन कैसे कहते हैं। अगर याद हो गया आपको अच्छी बात है, नहीं याद हुआ तो आप सिंपली मल्टीप्लाई करो, पहले इसका इसमें, फिर इसका इसमें, फिर इसका इसमें, फिर इसका इसमें, ठीक है ना। कोई घबराने की जरूरत नहीं है आपको। रियल पार्ट इंटू रियल पार्ट, 3 × 12 इज 36 प्लस माइनस, सॉरी इमेजिनरी इंटू इमेजिनरी, -4 × -5, -4 - 5 इज 20 प्लस आयोटा टाइम्स, इसका रियल इसका इमेजिनरी माइनस का 15, इसका इमेजिनरी इसका रियल माइनस का 48, ठीक है, अपॉन 36, ठीक है। 36 माइनस 20 इज 16 माइनस 63 आयोटा अपॉन 36, क्लियर है क्या बेटा। अब अलग अलग डिवाइड कर देते हैं भाई, रियल पार्ट में अलग डिवाइड कर देते हैं, इमेजिनरी पार्ट में अलग डिवाइड कर देते हैं। तो हमारे पास क्या आ गया बच्चों, यहाँ पे देखिए 16 अपॉन 36 माइनस 63 अपॉन 36 आयोटा, तो ये हो गया हमारे पास। 4 से डिवाइड किया तो 4 आया, 4 से डिवाइड किया तो 9 आया, 9 से डिवाइड किया तो 7 आया, 9 से डिवाइड किया तो 4 आया, तो क्या आ गया बच्चों हमारे पास 4 अपॉन 9 माइनस 7 अपॉन 4 आयोटा, ठीक है, 4 अपॉन 9 माइनस 7 अपॉन 4 आयोटा, क्लियर है क्या। 4 अपॉन 9 माइनस 7 अपॉन 4 आयोटा, ठीक है, ये चीज़ आ जाएगी बच्चों हमारे पास, ठीक है। देखिए एक्सप्रेस क्या कह रहा है, 3 माइनस 4 आयोटा अपॉन 12 प्लस 5 आयोटा इंटू ए प्लस आयोटा बी फॉर्म, ठीक है। तो अपन ऐसे सिंप्लीफाई करते आएंगे और डायरेक्टली ये आ गया, ठीक है। अपन ने जो पढ़ा अभी वही किया, जेड वन अपॉन जेड टू इज इक्वल टू जेड वन इंटू जेड टू बार अपॉन मॉड ऑफ जेड टू का स्क्वायर, सिंप्लीफाई कर दिया और आ गया आंसर हमारे पास, ठीक है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं इसे बेस्ट। चलिए देखते हैं बच्चों, बच्चों अपने पास है जैसे कि दिया हुआ है कैलकुलेट 1 + 3 आयोटा अपॉन 1 - या 4 - 3 आयोटा, ठीक है, इनटू ए प्लस आयोटा बी फॉर्म, ठीक। चलो यहाँ पे देखो 1 + यहाँ पे हमने पढ़ा बच्चों जेड वन अपॉन जेड टू बार इज इक्वल टू जेड वन इंटू जेड टू बार अपॉन मॉड ऑफ जेड टू का स्क्वायर, वही बच्चों अपन यहाँ पे कर रहे हैं 1 + 3 आयोटा अपॉन 4 - 3 आयोटा इज इक्वल टू 1 + 3 आयोटा इंटू जेड टू बार क्या आएगा बच्चों 4 + 3 आयोटा, ठीक है ना। इसका कॉन्जुगेट क्या बनेगा 4 + 3 आयोटा अपॉन जेड टू बार का स्क्वायर, दैट इज 4² + 3 का स्क्वायर, ये आ गया बच्चों हमारे पास, ठीक है। रियल इंटू रियल 1 × 4 = 4 माइनस इमेजिनरी इंटू इमेजिनरी 9 प्लस आयोटा टाइम्स, इसका रियल इसका इमेजिनरी, इसका रियल इसका इमेजिनरी क्या है 1 × 3, इसका इमेजिनरी इसका रियल 4 × 3 = 12 अपॉन 4² = 16 प्लस 9, तो ये क्या आ गया बच्चों -5 + 15 आयोटा अपॉन 25, ये आ गया। अलग अलग इसे सेपरेट कर देते हैं, क्या आ जाएगा बच्चों हमारे पास -5 / 25 + 15 / 25 आयोटा, ठीक है। सिंप्लीफाई करते हैं बच्चों, 5 से गया ये गया 5 बार, ये 5 से गया बच्चों 5 बार, ठीक है। ये क्या आ गया बच्चों हमारे पास, देखिए ये आ गया बच्चों हमारे पास -1/5 + 3/5, ये 3 बार जाएगा, 5 × 3 = 15 + 3/5 आयोटा, ये आ गया हमारे पास जेड -1/5 + 3/5 आयोटा, ठीक है बच्चों, ये आ जाएगा हमारे पास सिंप्लीफाई करने पर, ठीक। अब बच्चों दो चीज़ें आप लोगों ने छोटी क्लासेस में पढ़ रखी होंगी, ठीक। अच्छा इसका एक रिजल्ट मैं बता देता हूँ,
हमने क्या पढ़ा बच्चों, देखिए यहाँ पे हमने पढ़ा कि इफ जेड वन एंड जेड टू आर टू कॉम्प्लेक्स नंबर, टू कॉम्प्लेक्स नंबर, देन जेड वन अपॉन जेड टू इजिकल टू जेड वन इंटू जेड टू बार अपॉन मॉड ऑफ जेड टू का स्क्वायर, ठीक है, जेड वन अपॉन जेड टू इजिकल टू जेड वन इंटू जेड टू बार अपॉन मॉड ऑफ जेड टू का स्क्वायर, ये पढ़ा बच्चों अपन, ठीक है। अब मैंने कहा बच्चों अगर जेड वन की वैल्यू अपन वन रख दें, ठीक है, और जेड टू की वैल्यू जेड हो जाए, मतलब जेड वन हो गया प्योरली रियल, ठीक है, और जेड टू क्या हो गया बच्चों कॉम्प्लेक्स नंबर, तो ये फोटो कैसी बन जाएगी बच्चों, देखिए वन अपॉन जेड इज इक्वल टू जेड बार अपॉन मॉड जेड का स्क्वायर, यही तो होगा बच्चा, क्योंकि जेड वन की वैल्यू तो वन है, तो ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट आ गया कि अगर आपको वन अपॉन जेड भी निकालना हो, ठीक है, तो आप इसे क्या लिख देंगे बच्चों, वन अपॉन जेड इक्वल टू जेड बार अपॉन मॉड ऑफ जेड का स्क्वायर, जेड बार अपॉन मॉड ऑफ जेड का स्क्वायर, जेड बार अपॉन मॉड ऑफ जेड का स्क्वायर, जेड बार क्या है कॉन्जुगेट ऑफ जेड, मॉड क्या है उसका मॉडुलस, ठीक है ना, उसका मॉडुलस क्या है हमारा मॉड है, चलिए ठीक है बच्चों आगे बढ़ते हैं। तो एक रिजल्ट आपने और सीखा यहाँ पे, वन अपॉन जेड इक्वल टू जेड बार अपॉन मॉड जेड का स्क्वायर। चलिए देखते हैं बच्चों, चलिए देखते हैं बच्चों, अगर बच्चों हमारे पास आ जाए सपोज एक चीज़ बच्चों, हमने छोटी क्लास में पढ़ी थी एडिटिव इनवर्स, और एक चीज़ पढ़ी थी बच्चों हमने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, उसकी बात करते हैं। एडिटिव इनवर्स एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, एडिटिव इनवर्स एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, एडिटिव इनवर्स एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो बच्चों अगर ध्यान हो तो मैंने शायद एनसीईआरटी में सेवन्थ क्लास में देखा था ये टॉपिक, ठीक है। तो एडिटिव इनवर्स बेसिकली होता क्या है बच्चों हमारे पास, एडिटिव इनवर्स का मीनिंग था कि किसी क्वांटिटी में हम क्या ऐड करें कि उसका सम जीरो हो जाए, किसी क्वांटिटी में हम क्या ऐड करें, सपोज़ एक क्वांटिटी है हमारे पास x, ठीक है, x में हम क्या ऐड करें कि इसका सम जीरो हो जाए, इसे हम बोलते हैं एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स, ठीक है ना, मीनिंग ये एडिटिव इनवर्स, फिल इन द ब्लैंक जो है, ठीक है ना, किसी क्वांटिटी में x में हम क्या ऐड करें सम जीरो आ जाए, x में हमें माइनस x ऐड करना पड़ेगा, क्लियर है क्या, x में माइनस x ऐड करना पड़ेगा, तो हम कहते थे हेंस एडिटिव इनवर्स ऑफ x इज माइनस x, क्लियर है क्या, क्या कहते थे हम, हेंस एडिटिव इनवर्स ऑफ 2 इज माइनस 2, एडिटिव इनवर्स ऑफ 7 इज माइनस 7, एडिटिव इनवर्स इज माइनस 11 इज, एडिटिव इनवर्स ऑफ माइनस 11 इज प्लस 11, क्लियर है, ये कहते थे बच्चों अपन। फिर एक टॉपिक होता था बच्चों मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, छोटी क्लासेस में मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ठीक है। तो क्या होता था बच्चों वहाँ पे अपने को बताया गया था
कि उस नंबर में हम किसका मल्टीप्लाई करें कि आंसर वन आ जाए। किसी नंबर में हम किस नंबर का मल्टीप्लाई करें कि आंसर हमारे पास क्या आ जाए बच्चों, वन आ जाए। क्लियर है क्या? तो उसे हम क्या कहते थे बच्चों, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। ठीक है, तो x में हम किसका मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों की वन आ जाए, तो उस किसका मल्टीप्लाई करेंगे, वन बाई x का। तो हम कहते थे हैंस मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ x इज वन बाई x। क्लियर है क्या? तो वही चीज़ है बच्चों यहाँ पे चलनी है। ठीक है ना, मतलब मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ 2 इज 1/2, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ 5 इज 1/5, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ -7 इज 1/7। क्लियर है क्या? 1/-7। ठीक है, ये चीज़ हो जाती थी। तो एडिटिव इनवर्स का मीनिंग क्या होता है कि किसी क्वांटिटी में हम क्या ऐड करें कि सम क्या आ जाए, जीरो। मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स का मीनिंग क्या होता है, किसी क्वांटिटी में हम किसका मल्टीप्लाई करें कि प्रोडक्ट जो है वो वन आ जाए। क्लियर है बच्चों? चलिए इरेज करते हैं बच्चों। किसी ने बच्चों आपसे पूछा एडिटिव इनवर्स ऑफ जेड, एडिटिव इनवर्स ऑफ जेड, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस जेड। क्लियर है, एडिटिव इनवर्स ऑफ जेड क्या हो जाएगा, माइनस जेड। एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ जेड इज 1/z। ठीक है, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ जेड इज 1/z। क्लियर है, एडिटिव इनवर्स ऑफ जेड क्या होगा, माइनस जेड। ठीक है, एडिटिव इनवर्स ऑफ जेड क्या होता है, माइनस जेड, और मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ जेड क्या होता है हमारे पास, 1/z। ठीक है ना, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ जेड क्या होगा, 1/z। अच्छा, अभी कुछ देर पहले मैंने आपको बताया था कि z1/z2 से जो अपन ने फॉर्मूला डेराइव किया था कि 1/z को अपन क्या लिखते हैं बच्चों, z^(mod z) का स्क्वायर। ठीक है, तो ये ध्यान रखना भाई। ठीक है, इसको 1/z लिखते हैं, इट मीन जो इसकी वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, z^(mod z) का स्क्वायर। पॉइंट टू बी रिमेंबर्ड, ठीक है ना, ये आपको याद रखना है। ठीक है बच्चों, z^(mod z) का स्क्वायर। क्लियर, इतनी चीज़ें हमारी हो जाएंगी। ठीक है, चलिए इरेज करते हैं बच्चों, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कहा किसी ने हमसे, ठीक है, क्वेश्चन कहा किसी ने बेटा हमसे कि फाइंड एडिटिव इनवर्स ऑफ 3-4i। ठीक है, फाइंड एडिटिव इनवर्स ऑफ 3-4i। तुम्हें पता है एडिटिव इनवर्स ऑफ 3-4i क्या हो जाएगा, एडिटिव इनवर्स ऑफ 3-4i इज इक्वल टू माइनस टाइम्स जेड का एडिटिव इनवर्स क्या है, माइनस जेड, माइनस टाइम्स 3-4i दैट इज -3, एंड माइनस माइनस प्लस का 4i। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। किसी नंबर से कहा बच्चों, फाइंड मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ 7+2i। ठीक है, 7+2i का आप क्या निकालो, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स निकालो। तो 7+2i का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा बच्चों हमारे पास, दैट विल बी 1/7+2i। ठीक है, और हमको पता है, क्या पता है बच्चों, 1/z जो आता है वो क्या आता है, z^(mod z) का स्क्वायर। ठीक है, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स निकाला है अपने, क्या हो जाएगा, 1/7+2i। और हमें पता है 1+z क्या होता है, 1/z = z^(mod z) का स्क्वायर। ठीक है, मॉड जेड का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों हमारे पास, 7+2i का बार मॉड अपॉन 7² + 2 का स्क्वायर, यही तो होगा बच्चों हमारे पास। और इसका कॉन्जुगेट क्या होता है बच्चों, 7+2i का,
दैट इज 7 माइनस 2 आयोटा अपॉन मॉड, ठीक है, 7 प्लस 2 आयोटा का मॉड क्या हो गया 7 माइनस 2 आयोटा, सॉरी कॉन्जुगेट, 7 स्क्वायर क्या हो गया बच्चों 49 प्लस 4 कितना हो गया बच्चों हमारे पास 53, तो 7 माइनस 2 आयोटा अपॉन 53 ये आ गया हमारे पास आंसर। ये इसे a प्लस आयोटा b के फॉर्म में लिखना हो तो क्या हो जाएगा 7 अपॉन 53 माइनस 2 अपॉन 53 आयोटा, ठीक है, ये आंसर आ गया हमारे, ठीक है बच्चों। चलिए इरेज करते हैं, ठीक है, तो जितनी भी फंडामेंटल चीज़ें थी बच्चों वो अपन ने बता दी हैं, ठीक है। एंड अगर आप लोग थोड़ा सा मेरी बातों से इंस्पायर्ड हुए उस दिन, तो प्लीज़ आई विल सजेस्ट दैट कि आप लोगों को बच्चों कंपटीशन लेवल की तैयारी करनी चाहिए। तो मैं कहूँगा कि आपको बच्चों जो कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर है ये एटलीस्ट आप या तो आर डी शर्मा से लगाएँ, ठीक है, या आर एस अग्रवाल से लगाएँ, ठीक है। देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर, ठीक है, एक्सरसाइज पे आते हैं, एक्सरसाइज 5.1, एक्सरसाइज 5.1, ठीक है। तो पहले आयोटा वाले बच्चों टर्म्स हैं, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 है, ये कह रहा है 5 आयोटा इंटू माइनस 3 बाई 5 आयोटा, तो क्या हो जाएगा देखिए बच्चों 5 इंटू माइनस 3 बाई 5 और आयोटा इंटू आयोटा क्या हो गया बच्चों आयोटा का स्क्वायर 5 से 5 गया, माइनस 3 इंटू आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है बच्चों माइनस 1, तो क्या आ गया प्लस 3, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया हुआ है, आयोटा की पावर 9 प्लस आयोटा की पावर 19, ठीक है। बताया था बच्चों आपको मैंने कि आयोटा की अगर हायर पावर तो क्या करेंगे, तो आयोटा की पावर 9 को अपन क्या लिख सकते हैं बट्टो, आयोटा की पावर 4 की पावर 2 इंटू आयोटा 8 प्लस 1 9 हो गया, प्लस आयोटा पावर 19 को क्या लिखेंगे आयोटा की पावर 4 की पावर 4 4 4 जा 16 आयोटा की पावर 3 ये हो गया 19, 16 प्लस 3 क्या हो गया 19, तो आयोटा की पावर 4 क्या आ गया बच्चों 1 1 इंटू आयोटा प्लस 1 इंटू आयोटा क्यूब, तो ये हो गया आयोटा प्लस आयोटा क्यूब, क्लियर है क्या, आयोटा प्लस आयोटा क्यूब, और आयोटा क्यूब की वैल्यू किसके बराबर होती है बच्चों अपन ने बताया इसे माइनस आयोटा के, तो क्या हो जाएगा आयोटा माइनस आयोटा दैट इज इक्वल्स टू 0, क्लियर है क्या भाई। 9 को अगर आप 4 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा आपके पास 2 1 बाई 4 ही तो आएगा 2 कोसेंट, ठीक है, ठीक है 2 कोसेंट 1 रिमाइंडर, तो ये आ गया 2 कोसेंट 1 रिमाइंडर, ठीक है 4 कोसेंट 3 रिमाइंडर 19 ले लीजिए, ठीक है, इस तरह करते हैं अपन। तो क्वेश्चन नंबर 3 ट्राई कर लीजिएगा, 1 अपॉन आयोटा पावर 39 लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 4 सिंपल सा है, क्वेश्चन नंबर 5 सिंपल सा है, बिल्कुल एडिशन सब्ट्रैक्शन आपको सिखा रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 में बता देता हूँ आपको, चलिए क्वेश्चन नंबर बच्चों देखते हैं 7, 7 क्या कह रहा है देखिए बच्चों 1 बाई 3 प्लस आयोटा टाइम 7 बाई 3 प्लस 4 प्लस आयोटा टाइम 1 बाई 3, ठीक है, माइनस माइनस 4 बाई 3 प्लस आयोटा, ठीक है, ये आ गया हमारे पास। इसको हमें कह रहा है क्या करना है क्वेश्चन में 1 to 10 में, 1 to 10 में कह रहा है बच्चों एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इन एक्सरसाइज 1 to 10 इन द फॉर्म ऑफ ए प्लस आयोटा वी, ये कह रहा है बच्चों से ए प्लस आयोटा वी फॉर्म में एक्सप्रेस करो। अब देखो बच्चों यहाँ पे रियल पार्ट बच्चों देखो रियल पार्ट में ऐड होगा तो क्या हो जाएगा 1/3 प्लस 4 प्लस आयोटा टाइम 7/3 प्लस 1/3 माइनस 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 क्या हो गया बच्चों प्लस 4/3 प्लस माइनस क्या हो गया बच्चों माइनस, ठीक है, ये एक नंबर आ गया।
इसका रियल पार्ट, रियल पार्ट में ऐड कर दो तो क्या हो गया बच्चों, देखिए 1/3 +4 +4/3 ये हो गया रियल पार्ट हमारे पास। आयोडा कॉमन ले लो। इमेजिनरी पार्ट क्या हो गया, 7/3 +1/3 माइनस का 1। ठीक है, देखिए रियल पार्ट क्या थे, 1/3 4 और माइनस माइनस +4/3 ये आ गया। इमेजिनरी पार्ट क्या थे, 7/3 1/3 माइनस का 1 ये आ गया। ये आ गया बच्चों हमारे पास, देखिए 1 प्लस 4 3 जा 12 प्लस 4 ठीक है, प्लस आयोडा टाइम 3 एलसीएम ले लो, 7 और 1 क्या हो गया 8 या 7 प्लस 1 माइनस 3 ये कर लें। ठीक है, तो 12 और 1 13, 13 और 4 17, 17/3 प्लस आयोडा टाइम 7 और 1 8, 8 माइनस 3 कितना हो गया 5, 5/3 ये आ गया। ठीक है, ये आ गया बच्चों हमारे 7/3 प्लस 5/3 आयोडा, तो फाइनल आंसर है दिस। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, इसमें कुछ भी नहीं करना था अपने को, बिल्कुल मजाक सा था एक क्वेश्चन ये। ठीक है, तो एक्सरसाइज 5.1 तो बहुत ही आसान है, इसीलिए तो मैं मुझे एनसीईआरटी पसंद नहीं है कि इसमें कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन देते ही नहीं है। ठीक है, बिल्कुल रट ले बच्चा पास हो जाए लाइक दैट। छोड़िए, क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। 8th, 9th, 10th में देखिए हायर पावर यूज़ हुई है, 4, 3, 3 ठीक है ना। 8th में 4 यूज़ हुई है पावर, 9th में 3 यूज़ हुई है, 10th में भी 3 यूज़ हुई है। तो 8 कह रहा है बच्चों 1 माइनस आयोडा की पावर 4 ये कह रहा है, सॉल्व करो कोई बात नहीं। 1 माइनस आयोडा की पावर 4 क्या होगा बेटा, देखो 1 माइनस आयोडा की पावर 4 इसे हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस आयोडा का स्क्वायर और फिर से पावर 2। पावर की पावर क्या होता है, पावर का मल्टीप्लीकेशन। यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों, देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी की पावर 2 ये आ गया बच्चों हमारे पास। देखिए 1 का स्क्वायर आ जाएगा 1, आयोडा स्क्वायर क्या आता है बच्चों माइनस 1 माइनस 2 आयोडा की पावर 2, 1 से 1 गया माइनस 2 आयोडा की पावर 2 ये आ गया बच्चों। माइनस 2 का स्क्वायर आ गया और आयोडा का स्क्वायर आ गया। माइनस 2 का स्क्वायर क्या होता है बच्चों, 4 इंटू आयोडा स्क्वायर, और आयोडा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है बच्चों माइनस 1, तो क्या आ जाएगा 4 इंटू माइनस 1 दैट इज इक्वल टू माइनस 4। पापा से देखते हैं बच्चों, पावर हमारे पास 4 थी बच्चों, अपन ने क्या किया पहले पावर 2 ओपन किया और उसकी पावर 2 दे दी। ठीक है, ये बन गया a माइनस बी का स्क्वायर, ये क्या बन गया बच्चों ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। ठीक है, ये होल पावर हो गया 2, ये हो गया 1 माइनस 1 माइनस 2 आयोडा की पावर 2, ये हो गया माइनस 2 आयोडा की पावर 2। ठीक है, ये आ गया बच्चों माइनस 2 का स्क्वायर दैट इज 4 और आयोडा का स्क्वायर दैट इज माइनस 1, कैलकुलेट कर लीजिए आ गया हमारे पास माइनस 4 आ गया। ठीक है बच्चों, इसके बाद क्वेश्चन देखते हैं बच्चों अपन। क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13 में बोल रहा है बच्चों कि फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो एक क्वेश्चन कर लेते हैं, सपोज मैंने क्वेश्चन नंबर 12 ले लिया बच्चों, कह रहा फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ √5 + 3 आयोडा। तो जेड हमें दिया हुआ है, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ जेड क्या होता है बच्चों हमें पता है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ जेड इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों 1/z। और हम क्या जानते हैं बच्चों, वी नो दैट 1/z इज इक्वल टू z̅ / |z² z̅ / |z² z̅ क्या दिया, क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पे देखिए √5 + 3 आयोडा का कॉन्जुगेट √5 - 3 आयोडा अपॉन |z² |z² क्या हो जाएगा बच्चों हमारे पास, |z² ये हो जाएगा दैट इज रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया
क्या क्या बच्चों हमारे पास, रूट फाइव माइनस थ्री है बेटा। अपन रूट फाइव का स्क्वायर क्या हो गया, फाइव प्लस थ्री का स्क्वायर क्या हो गया, नाइन। तो क्या हो गया बच्चों हमारे पास, रूट फाइव माइनस थ्री आटा अपॉन फोर्टीन। ठीक है, ये क्या आ जाएगा बच्चों, रूट फाइव अपॉन फोर्टीन माइनस थ्री आटा अपॉन फोर्टीन। ठीक है, ये आ गया हमारे पास फाइनली आंसर। ठीक है बच्चों, दैट इज रूट फाइव अपॉन फोर्टीन माइनस थ्री आटा अपॉन फोर्टीन। ठीक है बच्चों, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है बच्चों हमसे, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इन द फॉर्म ऑफ ए प्लस आयोटा बी। सिंप्लीफाई करना है, हमें दिया हुआ है थ्री प्लस आयोटा रूट फाइव इंटू थ्री माइनस आयोटा रूट फाइव अपॉन रूट थ्री प्लस रूट टू आयोटा माइनस रूट थ्री माइनस आयोटा रूट टू, ये दिया हुआ बच्चों। ठीक है, चलिए बच्चों देखते हैं। बच्चों देखिए क्या लिखा हुआ है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है बच्चों हमारे पास, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर क्या आ गया बच्चों, देखिए थ्री का स्क्वायर माइनस ऑफ आयोटा रूट फाइव का स्क्वायर अपॉन, देखिए रूट थ्री प्लस रूट टू आयोटा माइनस माइनस इंटू प्लस इज माइनस, माइनस माइनस इज प्लस आयोटा रूट टू। ठीक है बच्चों, ये पार्ट इससे कैंसिल हो गया बच्चों, थ्री का स्क्वायर हो गया नाइन माइनस आयोटा स्क्वायर रूट फाइव का स्क्वायर क्या हो गया फाइव। ठीक है, अपॉन रूट टू आयोटा और रूट टू आयोटा मिलकर क्या हो गया टू रूट टू आयोटा, रूट टू आयोटा रूट टू आयोटा, एक्स प्लस एक्स क्या हो जाता है टू एक्स टू इंटू रूट टू आयोटा। ये क्या आ गया बच्चों हमारे पास, देखिए ये आ गया बच्चों हमारे पास नाइन इंटू आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है माइनस वन इंटू फाइव अपॉन टू रूट टू आयोटा। तो क्या आ गया बच्चों, देखिए नाइन प्लस फाइव अपॉन टू रूट टू आयोटा। तो ये क्या आ गया बच्चों हमारे पास, 14 अपॉन टू रूट टू आयोटा। ये आ गया बच्चों हमारे पास 7। ठीक है, ये आ गया बच्चों हमारे पास 7 अपॉन रूट टू आयोटा। अब देखो इरेशनल टर्म डिनोमिनेटर में नहीं होती, आयोटा डिनोमिनेटर में नहीं होता, तो अपन ने क्या किया रूट टू आयोटा अपॉन रूट टू आयोटा का ऊपर नीचे कर दिया मल्टीप्लाई। ठीक है, वही 1 अपॉन जेड इक्वल टू क्या होता है जेड बार अपॉन वन जेड का स्क्वायर। ठीक है ना, वही कर रहा हूँ अपन। तो यहाँ पे देखिए क्या आ जाएगा बच्चों, देखिए यहाँ पे 7 रूट टू आयोटा अपॉन रूट टू का स्क्वायर इंटू आयोटा का स्क्वायर। ठीक है, तो क्या आ गया देखिए बच्चों, 7 रूट टू आयोटा अपॉन रूट टू का स्क्वायर आ गया 2, आयोटा का स्क्वायर आ गया माइनस 1, दैट इज माइनस का 7 रूट टू आयोटा अपॉन 2। ये आ गया हमारे पास सिंप्लीफाई करने के बाद आंसर। ठीक है, अच्छा यहाँ पे देखो वही क्या अपन ने, इसका कॉन्जुगेट क्या होता है बच्चों हमारे पास, इसका कॉन्जुगेट होता है हमारे पास माइनस रूट टू आयोटा। तो माइनस रूट टू आयोटा अपॉन इसका स्क्वायर करो रूट टू का, तो क्या आता है टू आता है। तो डायरेक्टली वही क्या है, वन अपॉन जेड इक्वल्स टू जेड बार अपॉन मॉड जेड का स्क्वायर। क्लियर है क्या? तो यहाँ पे ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई बच्चों, बची हुई चीज़ें मतलब आगे के टॉपिक जो है वो नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा। तो आप लोग देखिए इसके बचे हुए क्वेश्चन जो मैंने नहीं कराए वो आप करेंगे, ठीक है, और इसके एग्जांपल करेंगे। और प्लीज़ प्लीज़ आप लोग इसे अटेम्प्ट करें और जो है डाउट्स अपने मुझे डायरेक्टली व्हाट्सअप करें। ठीक है, नंबर मैंने आप लोग को दिया हुआ है, दैट इज़ 9458234569। ठीक है, प्लीज़ आप लोग डाउट पूछें, ठीक है, और पढ़ाई करें। ठीक है, थैंक यू, दैट्स इट फ्रॉम टुडे।